एक तरफ जहां दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जारी किसान आंदोलन अब स्थगित हो चुका है, ऐसे में किसान गाजे बाजे के साथ घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में सरकार ने भी राहत की सांस ली है। साथ ही साथ रास्ते बंद होने के चलते परेशान होने वाले स्थानीय लोगों को भी राहत मिली है। देश भर में अब चर्चा आम है कि सरकार ने किसानों की सुन ली है और सभी मांगे माने जाने के बाद अब किसान खुश है, जिसके चलते अब किसान वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। जिस जगह पर किसान आंदोलन कर रहे थे उन जगहों को अब खाली किया जा रहा है और वहां से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आंदोलन की जगह पर अब ढोल नगाड़ों के साथ भांगड़ा करते हुए किसान और उनके बच्चे बूढ़े बुजुर्ग नजर आते हैं। नाम क्या है आपका? हरमन सिंह राय। खुशी में बजा रहे हैं? क्या? खुशी में बजा रहे हैं? खुशी में? यस। खुशी में बजा रहे हैं? एक नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? हरमन सिंह राय। खुशी में बजा रहे हैं? जीत मिली है? यस जीत। हो यो थो ज्यादा कुड़िया सुनी दिया, एक पतली एक भारी, हो पतली दा ता व्याह हो गया, भारी रह गई कुवारी ही आप पहले जन गए। खुशी है? बहुत खुशी। बहुत खुशी है? भैया एक बार। ठीक है, तो चलिए, किनके साथ आए थे हम? मैं दादी मामू। बड़ा खूबसूरत है ये आंदोलन, जहाँ पर तीन तीन पीढ़ियाँ एक साथ नजर आती रही। चलिए ठीक है, चलिए झुका दिया। चलिए, बड़ा खूबसूरत आंदोलन जहाँ पर तीन तीन पीढ़ियाँ एक साथ नजर आई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये तस्वीरें कुछ पल के लिए देश को राहत दे सकती है कि चलो देर सवेर ही सही, देश के किसान खुशी खुशी वापस तो लौट रहे हैं। जो किसान लड़ते झगड़ते वाटर कैनन का सामना करते हुए दिल्ली के दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे, वो अब खुशी खुशी पुलिस के बीच मिठाई बांटते हुए वापसी कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि किसान खुश है और देश में जय जवान जय किसान का नारा अब सचमुच यथार्थ होता मालूम पड़ रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या सच में देश के सभी किसान खुश हैं? क्या सभी मांगों को सरकार ने सुन लिया है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार ने पीछे हटते हुए किसानों की मांगों को मान लिया है, तो वहीं नोएडा अथॉरिटी किसानों की सुध लेने के मूड में नजर नहीं आती। नोएडा अथॉरिटी ने सैकड़ों दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, महिला बच्चे पुरुष सब इस आंदोलन का हिस्सा हैं, जो टुकड़ियों में यहां धरना देने आते हैं, जिसके चलते प्राधिकरण का काम भी ठप है। लेकिन अधिकारी हैं कि आंख मूंद कर सोते नजर आते हैं। आवाज की टीम ने खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 6 स्थित नोएडा अथॉरिटी के परिसर में पहुंचकर आंदोलित किसानों की आवाज बनने की एक मुमकिन कोशिश की है। कहा गया कि किसान आंदोलन की जीत है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण नोएडा अथॉरिटी यहां पर भी कुछ किसान बताया जा रहा है कि 98 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। उनकी क्या कुछ मांग है, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर जो धरना चल रहा है, जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं, वो दरअसल किन मांगों को लेकर है। स्पष्ट रूप से बताइएगा किन मांगों को लेकर आपका ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही स्पष्ट कर दूँ कि मांगों के लिए धरना चल ही नहीं रहा है। ये हमारे करार हैं, जो डॉक्यूमेंटेड करार, जो जब समय समय पर नोएडा प्राधिकरण ने जो हमारी ज़मीनें ली हैं और जो हमारे करार में नक्शा 11 पे 5% के प्लॉट लिखे हुए हैं, माननीय न्यायालय के आदेश से 64% और 10% का हमें मुआवजा मिलना था,
हमारी आबादियों का बिना सर्वे जो गलत अधिग्रहण हुआ है उसके दुरुस्तीकरण के लिए हम बैठे हुए हैं। जबरदस्ती ग्रामीण क्षेत्र में जो भवन नियमावली हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है, जो कि वहाँ किसी भी रूप में व्यवहारिक है ही नहीं, क्योंकि जो जमीन ही हमारे नाम नहीं है, बिना सर्वे के जो गलत अधिग्रहण हुआ है, और जो पुश्तैनी गैर पुश्तैनी का भेद, ये नई नई पॉलिसी और नए नए तरीके ला के समस्या जो ये पैदा कर रहे हैं उनको समाधान के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और जो हमारे करार जो समय समय पर जो हमारा छूटा हुआ है, हमारा डॉक्यूमेंट बोलता है, हम उसको पूरा करवाने के लिए नोट। सुनने में आया कि काफ़ी लंबे समय से आपका ये जो प्रदर्शन है यहाँ पर चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अलग अलग गाँवों से आकर, तो ऐसे में पेज कहाँ फंस रहा है, बात कहाँ नहीं बन पा रही है? दरअसल क्या है कि बात दो बातें होती हैं, एक पक्ष गलत होता है, दूसरा पक्ष सही होता है, क्योंकि एक ही बात में एक ही केस में दो पक्ष कभी भी सही नहीं हो सकते। यहाँ पे केवल एक ही पक्ष सही है, वो है किसान। वेल डॉक्यूमेंटेड ड्यू है, लिखा हुआ है, कोई किसी से मुंह से बोला हुआ नहीं है, माननीय न्यायालय के आदेश हैं, उनको नहीं हमारे ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। जो हमारा न्यायालय ने दिया वो नहीं, जो प्राधिकरण ने कमिटमेंट किए हैं वो नहीं, और पिछले 98 दिन से लगातार हम इसी बात पे बैठे हुए थे। हर एक लेवल पे हमारी वार्ता हुई है, प्राधिकरण के लेवल पे वार्ता हुई है, मंत्री जी के लेवल पे वार्ता हुई है, जनप्रतिनिधि लेवल पे वार्ता हुई है, सचिव लेवल की वार्ता है, चेयरमैन लेवल की वार्ता है। सब लोग कहते हैं जी बिल्कुल आप सही हैं। सही होने के बाद अगर किसी के हक को ना दिया जाए तो केवल एक लोकतंत्र की हत्या के बराबर हो रहा है। और यहाँ पे उन्होंने हट लगा लिया सरकार ने कि भाई वो बिल्कुल ऐसे गुंडागर्दी वाला जो एक माहौल पैदा कर दिया, ठीक है जी हमारा है आपका है हम नहीं दे रहे, इस तरह का माहौल है। ठीक है, आप मंत्री का जिक्र किया आपने, किस मंत्री की बात कर रहे हैं आप? कृषि मंत्री सतीश महाना जी जिनके अंडर ये संस्थान आता है, हम उनके यहाँ पे गए थे, हमने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, उनके अपर सचिव आए थे वहाँ पे अरविंद कुमार जी, उनको हमने अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी दी और बिल्कुल उनको पढ़वाया वहाँ पे। वो हमारी मांग से बिल्कुल सहमत थे, वो कहते कि आप लोग अपने करार में बिल्कुल सही हैं। जब करार में सही हैं सब लोग इस बात को मानते हैं और मंत्री जी भी इस बात को मानते हैं। मंत्री तो शासन होते हैं, शासन प्रशासन सरकारी तो शासन प्रशासन होती है, लेकिन एक माहौल इस तरीके का पैदा कर दिया गया है कि नहीं कोई आश्वासन की पट्टी पढ़ाई जा रही है। ये प्राधिकरण के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, इनसे बातचीत हुई आपकी? कई दौर की वार्ता हुई है, ये अपने आप को शासन पे थोप देते हैं और शासन हमारी बात को सुनने के बाद मौन हो जाता है। समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारी बात को या तो मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे, उनसे हमारी टेबल हो, या फिर हम प्रधानमंत्री महोदय के वहाँ पहुंचे। बाकी सब ठीक है, लेकिन क्या है कि समस्या कहाँ आ रही है कि काफ़ी दिनों से अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो इसकी वजह से कामकाज ठप है, तो उससे अन्य लोगों को भी समस्या है। देखिए यही बात हम आपको बार बार हम हर एक आदमी को ये समझाने की कोशिश करें कि कामकाज हमारी वजह से ठप नहीं है। एक बात बताइए, जिस संस्थान को हमारा भी कामकाज करना है, दो पहलू हैं, हम भी तो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, जो कामकाज हमारा भी तो पिछले 45 साल से ठप है। हम यहाँ नहीं आए इतने दिन से हमारी बैठने की मजबूरी को समझने की कोशिश करें, आम जनमानस से भी ही समझाने की हम कोशिश करते हैं आपके माध्यम से कि भाई ये लोग गलत हैं। जब हम लोग परेशान हैं, हमारा 3 लाख की आबादी का एक वर्ग परेशान है, ये उन और सारे काम करते हैं, किसानों के काम क्यों नहीं करते? ठीक है, सुनने में आ रहा है कि आज सुबह कुछ कहासुनी भी हुई है, तो कहासुनी क्या कुछ हुई? प्राधिकरण का कोई अधिकारी आए थे, उनके साथ आपकी कहासुनी हुई, ऐसा सुनने में मिला? दरअसल क्या है, मैंने बताया मांग हमारी क्लियर है, हमारा मंतव्य क्लियर है और हमारा तरीका भी क्लियर है। बिल्कुल गांधीवादी तरीके से हम बैठ के अपनी बातों को विभिन्न फोरम से पहुँचा के हमने उनको जस्टिफाई करा लिया है। जब बातें जस्टिफाई होती है तो बच क्या जाता है, षड्यंत्र। अब चाहे सरकार की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से या नोएडा अधिकारियों के अपनी तरफ से, ये कोई योजना ऐसी बना रहे प्रायोजित करके कि आपस में कुछ लोगों को आपस में बढ़ा दिया जाए, और जो इनको हमारा लूज पॉइंट नहीं मिल रहा है, चाहे वो कागज के रूप में, चाहे हमारे काम करने के तरीके के रूप में, इस भिड़ंत से कुछ ना कुछ उनके पास ऐसा क्लू लगे और इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। उससे पहले ये जानना चाहूंगा, आप वापस आप आऊंगा, उससे पहले ये जानना चाहूंगा कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो बात बनी नहीं है। आश्वासन पर आश्वासन तो दिया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही है, आंदोलन कब तक रहेगा आपका जो चल रहा है? देखिए हमारे जो आंदोलन है 45 साल से चल रहा है, माननीय सुखबीर खलीपा जी के नेतृत्व में ये 5वां आंदोलन है 3 सालों में, और 5ों बार यही मांगे रही हैं कि जो किसानों की आबादी है, बेसिकली आप समझिए चीज़ को, अभी क्या एक वर्ग विशेष में मैसेज जा रहा है कि किसान अतिरिक्त मुआवजे के लिए बैठे हुए हैं। मुद्दे को समझिए, जो हमारा घर है जिसमें हमारा जन्म हुआ, हमारे पड़े बाबा का जन्म हुआ, उसको भी नोएडा अथॉरिटी ने षड्यंत्र के तहत अपने नाम दर्ज कर लिया। अपने नाम दर्ज करने के बावजूद किन्होंने क्या किया कि हमारे जो रजिस्ट्री हैं, हम अपने घर को, अपने प्लॉट को, मकान को बेच नहीं सकते किसी भी हारी बीमारी, किसी मजबूरी में। अब आप सोचिए, इंसान के पास कोई भी मजबूरी हो सकती है जिसमें वो अंत में अपने घर को बेचता है, या नहीं बेच सकते, ये हमारी मूल समस्या है। रही हम कब तक बैठे रहेंगे, देखिए ये जो आंदोलन शुरू हुआ, ये हमारा आंदोलन शुरू हुआ 23 जून से, और लगभग 5 महीने हो चुके हैं। 10 दौर की वार्ता हमारी सीओ मैडम से हो चुकी हैं, लखनऊ जा चुके हैं चेयरमैन साहब। मैडम ने क्या कुछ कहा अभी तक?
सीओ मैडम झूठ बोलती हैं, झूठ बोलती हैं। बिल्कुल, मैं लाइव कैमरा पे बोल रहा हूँ, 10 सितंबर में हमारे साथ वार्ता हो। मैडम का नाम लेके बताइए, क्या झूठ बोलती हैं? महेश्वरी झूठ बोलती हैं, 10 सितंबर। बहुत कद्दावर अधिकारी बताती हैं अपने आप, कद्दावर झूठी है, इसमें क्या बात है? कद्दावर का मतलब क्या, किसानों से झूठ बोलोगे आप? 10 सितंबर में हमारी वार्ता हुई थी, करीब हम 40 लोग गए थे सीओ मैडम से मिलने। उन्होंने कहा था कि आपका जो 10% की मांग है उसको हम मान लेते हैं और उसको आपको बोर्ड में पास करके आपको लखनऊ में भेज देते हैं। अभी हमारी 3 तारीख में हमारी वार्ता हुई थी चेयरमैन साहब से, तब उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि नहीं, मैंने नहीं कहा कि हम आपकी 10% की बात को मांग रहे हैं। उससे पहले हमारी वार्ता हुई थी मैडम से 15 नवंबर में, तब मैडम ने कहा था कि आप धरने से हटे नहीं, अन्यथा 24 सितंबर की बोर्ड मीटिंग में हम आपका 10% का निस्तार कर रहे थे। अब 3 तारीख की मांग में उन्होंने झूठ बोला है क्लियर कि आप, मैं आपकी कोई बात मैंने नहीं मानी थी, मैंने कहा ही नहीं है। और रही हमारी मांगों की बात, रही समय की बात, देखिए समय को इनको सोचना चाहिए, हम किसान हैं, हम तो अपने घर बार छोड़ कर यहाँ पर बैठे हैं, दिन रात बैठे हैं, आप हमारा कैंप देख रहे हैं, हमारा ट्रैक्टर ट्रोल देख रहे हैं, दिन रात हम बैठे हैं। जब तक हमारा समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, या तो हमारा समाधान होगा अन्यथा यहाँ समाधि बनेगी। ठीक है, समाधान नहीं होगा तो या फिर समाधि बनेगी। बाकी नोएडा अथॉरिटी की जो सीईओ है रितु माहेश्वरी जी, उन पर बड़ा आरोप लगाया, कहा है कि उन्होंने झूठ बोला, बरगलाने का काम किया। आप क्या कुछ दिखा रहे थे काफी देर से? जी मैं तो कह रहा हूँ, लिख के तो कुछ भी दे दे, मैं इसमें जैसे लिखा ना किस कर्मचारियों को लड़ाने की योजना, हाँ नहीं ये यू ही है जो हमें स्व अधिकारी कुछ आए ना, वो हमारे धरना फेल करना चाह रहे। अच्छा, हम जो शांतिपूर्ण धरना दे रहे ना, तो इसे लड़ाई झगड़ा कराकर षड्यंत्र के तहत धरने को खत्म करने की उठाना चाह रहे हैं, हम इसके छूट जाएंगे। भाई जो अपना कर्ज है इन पे, उस कर्ज लेंगे नहीं क्या? अधिकार है ना हमारा, आप भी बताओ ना, आपसे पूछते हैं, तंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है, तो हमें लेना चाहिए, तो अपने अधिकार को बैठे। हमारा कोई भी मसला हमारे किसान भाई को, पूरी बिरादरी को, बिल्कुल भी नाम को ये नहीं है कि हम कहीं आतंक वो न आतंकी न उग्रवादी। हमारा तो जो इन पे है न नई मांग, उन्होंने को बैठे वो इन्हें दे देनी चाहिए, इनकी बुद्धि मार जानी चाहिए। सबसे पहले इस धरना का एक रिकॉर्ड आ रहा आपको बता कि ये यज्ञ से शुरू होता है और परमेश्वर से काम न करी जाती है कि इन हमें हो गए आज चौथा महीना चल रहा कि इनकी बुद्धि परमात्मा शुद्ध करें। और ये अधिकारी यहाँ पर आया आपसे बात करने? आज नहीं, कभी, जब से आपका धरना चल रहा है कोई अधिकारी आपके बीच आया? मोटे ने भेज दे, मैं कहा उनका अधिकारी इनको जब बड्डे बड्डे हमें उत्पन्न जान दे। जिम्मेदार अधिकारी कोई नहीं आया? जिम्मेवार एसीओ बिल्कुल वहाँ पर खड़ा होगा गेट पे, और हम जब अपना 5 जो हमारी मांगी उनका पत्र उन्हें दे के दूत बन के हम 5 आदमी पंचायत ने चुने थे अंदर नहीं जाने दिए। रितु महेश्वरी आई हैं अभी तक आपके बीच, आपसे बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, वो मैडम ओपन फोरम पे तो नहीं आई है, लेकिन एक दो बारी हमारी अंदर मीटिंग हुई है। लेकिन इनका नजरिया और इनका काम करने का जो तरीका है, दरअसल क्या है, आम के लिए कुछ काम ही हो रहा, आम होता ही नहीं, खास लोगों के लिए काम करने की इनकी कवादत है। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आम जनमानस है वो हमेशा परेशान है, खास लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको यहाँ पे खास लोगों के लिए जगह बना दी गई है। और सबसे बड़ी विभीषिका ये है कि जब आप सही को ही सही स्थापित नहीं कर पाएंगे तो ऐसी सरकार का फिर मानसिकता क्या है? जो अपने आप को सही कहते हैं और सही कहते हैं कि जो सही होगा उसे हम बिल्कुल करके मानेंगे और गलत को करने नहीं देंगे, इस सही गलत के आकलन के लिए कोई और भी बड़ा मंत्री आ सकता है, कोई केंद्र से भी इंटरवीन कर सकता है हमारे बीच में आके कि भाई ये किसान अगर 14 दिन से यहाँ बैठे हैं तो इनके मूल मुद्दे क्या हैं, कम से कम एक बात को स्थापित तो करें, गलत कौन है सही कौन है। नोएडा प्राधिकरण गलत है जी, और बिल्कुल आपको भी अगर हम डॉक्यूमेंट दे दें आप कहेंगे कि ये क्या बच्चों बचकानी हरकत ये लोग कर रहे हैं, समानता का अधिकार देश से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, न्याय से पहले समानता का अधिकार की कोशिश कर रहे हैं। जिन हर एक वाद में हर एक समस्या में 10% की हर एक मांग को लेकर जो माननीय न्यायालय ने सब तरीके के लोगों के लिए आदेश किया हुआ है उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब पूंजीवाद से बड़ा तो कोई है ही नहीं, कुछ भी ना कोर्ट आना। ठीक है, नोएडा अथॉरिटी जो है उसको लेकर पूंजीवाद की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि खास लोगों के लिए काम कर रहा है, आम लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। इस बीच किसानों ने ये भी आरोप लगाया है कि नोएडा अथॉरिटी ने किसानों द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को षड्यंत्र के तहत खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए प्राधिकरण के अधिकारियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद आंदोलित किसानों ने एक ज्ञापन ACP अंकिता शर्मा को दिया है। अंकिता शर्मा ने ज्ञापन मिलने के बाद पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। गौतम बुद्ध नगर विषय FIR दर्ज कराने के संबंध में, महोदय सबने निवेदन यह है कि आज दिनांक 7/12/2021 को सुबह लगभग 9:30 बजे पर भारतीय किसान परिषद के किसान व महिलाएं हवन कर रही थी, तभी नोएडा एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष कुशपाल सिंह व उनके अन्य साथी धरना स्थल पर आए और धरना स्थल मौजूद महिलाओं व किसानों के साथ गाली गलौज की व जान से मारने की धमकी देते हुए कुशल पाल सिंह ने कहा कि मेरे पास बहुत गाड़ियां व असलाह है, मैं तुम सभी किसानों को धरने नहीं देने दूंगा, यह सब करने की
कुशल पाल व अन्य साथियों की पूरी प्लानिंग थी और कुशल पाल सिंह ने दिनांक 7/12/2021 को अखबारों के माध्यम से प्रकाशित किया है और जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया था। इन सभी कार्यों से कुशल पाल व उनके साथियों की मंशा साफ जाहिर होती है कि ये सभी लोग किसान आंदोलन में अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं। यदि धरना स्थल पर दिन रात में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है तो कुशल पाल सिंह व नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना की कुशल पाल सिंह व उनके अन्य साथियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। प्रतिलिपि है, इसमें पेपर की कटिंग भी है और हाँ, और इनका जो ज्ञापन वो भी था। काफ़ी लंबा समय हो चुका है यहाँ धरना देते हुए, जिसके चलते यहाँ पर प्राधिकरण का काम भी ठप है। लेकिन ऐसे में इनका एक गंभीर आरोप यह है कि जो CEO है रितु माहेश्वरी जी, वो अभी तक इनकी बातों को संज्ञान में नहीं ले रही हैं, इनकी बातों को अभी तक सुना नहीं गया है। बाकी क्या कुछ है उसको भी समझाएंगे और लगातार आपको लगातार इस खबर को बताते रहेंगे। इस पर क्या कुछ अपडेट आता है उसको भी बताते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।